हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पत्थर चट्टा के विषय में। यह एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है जो कि बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। ये पूरे भारत में हमेशा मिलने वाला पौधा है। यह लाल रंग के किनारों वाला हरे रंग का पौधा है। इसके पत्ते मोटे होते हैं। ये खाने में खट्टा, नमकीन और स्वादिष्ट होता है। इसके पत्तों से शरीर को कई प्रकार के फायदे होते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग गुर्दों से जुड़े रोगों और पेशाब संबंधी सभी रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके सेवन से शरीर के सभी विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। पत्थर चट्टा त्रिदोष नाशक है, यानी ये वात, पित्त और कफ तीनों से संबंधित रोगों को ठीक करता है। इसका नियमित सेवन से गुर्दे की पथरी टूट टूट कर बाहर निकलती है। इसके लिए इसके कुछ पत्तों को उबाल कर पीने या पत्ते चबाने से लाभ होता है। इसके सेवन से पेट दर्द या पेट संबंधी रोग मिटते हैं। इसके साथ सौंफ का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से नपुंसकता का रोग मिटता है। हृदय रोग में भी यह बहुत लाभकारी है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है। इसके पत्तों का रस किसी घाव या फोड़े में लगाने से घाव जल्दी भरता है, साथ ही सूजन, जलन, दर्द तथा घाव के दाग धब्बे मिटते हैं, त्वचा साफ होती है। महिलाओं में होने वाले योनि स्त्राव में ये बहुत ही लाभकारी है। इसके रस को आंखों के चारों तरफ लगाने से आंखों का दर्द मिटता है। माथे में इसका लेप लगाने से सरदर्द में आराम पड़ता है। जिन लोगों को सफेद दाग की समस्या हो उनके लिए यह बहुत लाभकारी है। सफेद दाग पर इसका रस लगाने और खाने से बहुत जल्दी फायदा होता है। लकवे की समस्या में यह बहुत लाभकारी है। इसके लिए इसे उबाल कर उस पानी में जैतून का तेल मिलाकर लकवे वाले स्थान में मालिश करने से लकवा जल्दी ठीक होता है। पेशाब संबंधी किसी भी रोग में इसके 10-12 पत्ते उबाल कर पीने से पेशाब के सभी रोग जल्दी और पूरी तरह से ठीक होते हैं। यह ब्लड कैंसर में भी काफी मददगार है। इसके नियमित सेवन से हकलाने का रोग मिटता है तथा आवाज साफ होती है। यदि दस्त के साथ रक्त आ रहा हो तो उसमें भी यह लाभकारी है। बवासीर के रोग में भी यह बहुत फायदेमंद है, खासकर खूनी बवासीर में। आयुर्वेद में पत्थर चट्टा के कई नाम है, जैसे भस्म पथरी, पाषाण भेद और पर्णपुट्टी आदि। ये पौधा बहुत आसानी से मिलता है। गमले में या कहीं पर भी इसकी डंडी या पत्ते लगाने से ही यह कुछ ही दिनों में पनपने लगता है। इसके पत्तों को पीस कर पानी में मिलाकर या पानी में उबालकर या फिर सीधे पत्तों को चबाया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति भी यदि इसके पत्तों का सेवन करे तो अनेक परेशानियों से बच सकता है। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। यह सामान्य तासीर वाला पौधा किसी भी मौसम में सेवन किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।